हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल विज इफेक्ट्स पर। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड EDS सॉफ्टवेयर के बारे में, जो इंडस्ट्री में बहुत ही पॉपुलर है, जिस पे आप वीडियो एडिटिंग का काम कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में सस्ते दामों पर और कोई सॉफ्टवेयर नहीं मिलता है। आइए देखते हैं कि इसमें टाइमलाइन विंडो की हम कैसे सेटिंग करते हैं या टाइमलाइन विंडो क्या होती है आपकी। ये प्रोजेक्ट को मैं इसमें क्या करता हूँ, ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने बना के रखा हुआ है, या यहाँ से भी आप न्यू प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, ये हमारी टाइमलाइन होती है, ये वाली पॉइंट। यहाँ से टाइमलाइन के द्वारा ही हम कंट्रोल माइनस और प्लस करके शॉर्ट इन आउट वगैरह का यूज करते हैं, जिसके थ्रू आप बेसिकली मेन विंडो जो आपकी होती है ना, ये आपकी प्रीव्यू विंडो होती है, मेन विंडो होती है, इस पर हम काम करते हैं। यानी कि यहाँ से शॉर्ट लेके क्लिक करके और यहाँ पे ड्रैग करते हैं, जिसके द्वारा टाइमलाइन पे हम विंडोज़ को डालते हैं। टाइमलाइन पे विंडो डालने के बाद शॉर्ट्स को क्या करना होता है, हमें एडिट करना होता है। ये आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन तो ये होता है कि आप वीडियो को म्यूट कर सकते हैं, यानी कि आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे, जब मैंने इस कॉर्नर पॉइंट से वीडियो को म्यूट कर रहा हूँ, यहाँ से कॉर्नर से, तो आपकी वीडियो म्यूट हो जा रही है बिल्कुल, यानी कि आपकी वीडियो दिखाई नहीं देगी दोस्तों। लेकिन अगर आप यहाँ से ऑडियो को म्यूट करते हैं तो ये देखिए, इसमें बिल्कुल भी आपकी ऑडियो नहीं आएगी, जैसे कि इसमें अभी आ रही है। ठीक है, तो टाइमलाइन के द्वारा ही हम शॉर्ट को कट एडिट वगैरह करते हैं। यहाँ से अगर हमें शॉर्ट ऊपर उठाना है तो इस टाइमलाइन पर डाल देंगे, और भी अगर आपने रखना है तो इसके ऊपर और रख लेंगे। यहाँ से एक लेयर और हम ऐड कर देते हैं ताकि वीडियो ओके, तो इस टाइमलाइन पे इस टाइप से हम वीडियो को डाल सकते हैं। बाकी आप चाहें तो टाइमलाइन के क्लिप, सारे क्लिप को सिलेक्ट करके इस टाइप से भी ला सकते हैं। ये देखिए, तो ये जो वीडियो एडिटिंग होती है, इसमें क्या है, वीडियो के द्वारा ही हम काम करते हैं और टाइमलाइन पे ही काम किया जाता है ज़्यादातर। कट इन पॉइंट ऑडियो म्यूट मैंने आपको इसमें बता दिया कि वीडियो म्यूट कैसे होता है, ऑडियो म्यूट कैसे होता है। आगे मैं आपको बेसिकली ज़्यादा इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आगे बहुत सी कमांड आएंगी जिसमें आप सीख पाएंगे कि कैसे कैसे हम शॉर्ट को इंपोर्ट करते हैं या ओपन करते हैं। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग माई ट्यूटोरियल ऑन द यूट्यूब चैनल।